नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं हूं विकास और आपके चैनल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम हमारे स्मार्टफोन पर एक ही ऐप दो बार कैसे यूज कर सकते हैं, या कुछ कहे तो एक ही ऐप को हम क्लोन करके कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कोई हैक वीडियो नहीं है या कोई भी क्रैक वर्जन ऐप इंस्टॉल करके हम ये टेक्निक यूज नहीं करने वाले। ये सिर्फ एक सिंपल टेक्निक है और ये गूगल पे भी अप्रूव है। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे हम करेंगे और कैसे आप एक ही नंबर। तो दोस्तों आप अभी देखेंगे कि हम हमारे स्मार्टफोन पर व्हाट्सअप जो ऐप है वो कैसे दो नंबर से हम ऑपरेट कर सकते। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपना प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप प्ले स्टोर पे जाने के बाद, तो दोस्तों अभी मैं दिखाऊंगा कि हम कैसे ऐप सर्च करके हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इसके लिए प्ले स्टोर में सर्च बार है उस पर पैरेलल टाइप करना है। तो दोस्तों सिर्फ PARRR टाइप करने के बाद आप देख सकते हैं पैरेलल स्पेस मल्टी अकाउंट नाम का सॉफ्टवेयर आ गया। तो दोस्तों ये ऐप मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, तो आपको दिखाना चाहूंगा कि इसकी रेटिंग है 4.6 और इसको अभी तक 12 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये ऐप कितना यूजफुल है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि नीचे रिव्यू भी इसके अच्छे हैं। तो अभी हम फटाफट शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी ऐप इंस्टॉल किया है तो मैंने डायरेक्ट ओपन कर देता हूँ। तो दोस्तों ओपन करने के बाद आपके सामने लॉगिन आएगा। आप लॉगिन फेसबुक थ्रू करिए या गूगल थ्रू करिए। तो ये मैंने ऑलरेडी किया था, तो इसके लिए ये स्टेप नहीं है। तो दोस्तों बहुत आसान है, इसमें सामने कुछ ऐप्स आ गए। तो एक को व्हाट्सएप पे ऑलरेडी क्लिक है, इसी वेब पे ठीक है, तो उसका हमें कुछ करना नहीं है। यूट्यूब का भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि एक ही अकाउंट पे हमें चलाना है अभी भी। तो अभी व्हाट्सएप पे, तो दोस्तों सिर्फ व्हाट्सएप पे हम क्लिक कर देंगे और एड टू पैरेलल स्पेस पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इधर ये व्हाट्सएप का ऐप आ गया। तो स्टार्टिंग की प्रोसेस में चल रहे हैं, तो थोड़ा टाइम इसको लगेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये अभी आ गया, पर दोस्तों हमें ये डेस्कटॉप पे चाहिए, तो इसके लिए हम फिर से वो ऐप में जाएंगे। तो ये ऐप में जाने के बाद आप दोस्तों व्हाट्सएप पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ड्रैग करके नीचे लाइए। नीचे लाने के बाद क्रिएट शॉर्टकट होगा। तो आप अभी डेस्कटॉप पे देख सकते हैं ये व्हाट्सएप आ गया और ये मेरा पहला वाला व्हाट्सएप है। तो दोस्तों आप दोनों व्हाट्सएप में फर्क देख सकते हैं। ये दोनों व्हाट्सएप एक ही है, पर ये इस ऐप का ये क्लोन है, पर ये पूरी तरह से क्लोन भी नहीं है। ये इस पर चलने वाला पैरेलल ऐप से और इस ऐप से व्हाट्सएप से परमिशन लेकर ये चलता है। दोस्तों इस पर तो आप दिखाना चाहूंगा कि इस पे ऑलरेडी अकाउंट है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा व्हाट्सएप, पर ये अभी दूसरा व्हाट्सएप आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस पर मुझे एग्री और कंटिन्यू बोल रहे हैं। तो दोस्तों आप इस पर कॉन्टैक्ट नंबर आपका डाल दीजिए, नेक्स्ट करिए। जिस तरह से हमारा नॉर्मल व्हाट्सएप है उसी तरह से इसका वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद आप दो नंबर से एक ही स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही आसान तरीका है, कुछ हैक टेक्निक नहीं है, कुछ क्रैक वर्जन इंस्टॉल करना नहीं है, कुछ हमारे स्मार्टफोन को लॉस नहीं होगा। तो इसके साथ मेरी वीडियो खत्म होती है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद और अपना ख्याल रखिएगा।